ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार से ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोबारा पूछताछ कर सकती है। ईडी की टीम ने कल मीसा भारती और उनके पति से 7 घंटे तक पूछताछ की थी। 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। ईडी ने कल जैन बंधु एंट्री ऑपरेटर्स केस में मीसा भारती और शैलेश कुमार से दिल्ली में 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारी को कोई दस्तावेज और मोबाइल फोन समेत कई अहम सुराग हाथ लगे। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम मीसा और शैलेश के 2 और ठिकानों पर तलाशी ले सकती है। तो ईडी के मुताबिक मीसा और शैलेश की मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड में 4 मुखौटा कंपनियों के जरिए पैसा आया। इसी पैसे से दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा गया था। ईडी के मुताबिक 1,20,000 शेयर 2007-08 में 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 4 मुखौटा कंपनियों ने खरीदे। इन्हें बाद में मीसा के प्रति शेयर 10 रुपए हिसाब से मीसा के द्वारा खरीद लिया गया। इसकी जानकारी ईडी को सीए राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी से हुई। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो सबसे पहले ईडी ने कल छापेमारी की थी और जो अहम दस्तावेज, गैजेट्स और जो मोबाइल फोन सीज किए हैं उनको ईडी अपने चेक करेगी, उनसे जानकारियां निकालने की कोशिश करेगी और साथ ही उसके बाद ईडी मीसा भारती और शैलेश इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि काफी अहम दस्तावेज ईडी को इनके पास से लगे हैं। और क्योंकि इससे पहले जिस तरह से जैन ब्रदर्स के मामले को लेकर के ईडी अपनी छानबीन कर रही थी, उसी कड़ी में मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था और तभी इस बात का पता लगा था कि जिस मामले की जांच इनकम टैक्स कर रही है उस पूरे मामले में जो मनी लॉन्डर की गई है वो एक फर्जी कंपनी के जरिए की गई है जिसका नाम था मिशेल प्रिंटर्स एंड पैकर्स लिमिटेड था और उसी के जरिए ही ये पैसे का जो पूरा जो लॉन्डर किया गया था, मनी को घुमाया गया था, उसमें सबसे अहम कड़ी था राजेश अग्रवाल जिसको ईडी ने मई के महीने में गिरफ्तार कर लिया था। उसी के बाद आगे ये छापेमारी की गई है। इसमें सबसे अहम बात विद्या ये भी है कि जैन ब्रदर्स मामले को लेकर के ईडी ने पीएमएलए का मामला दर्ज किया हुआ है और अब जब छापेमारी की गई है तो इसका मतलब साफ है कि मीसा और शैलेश भी इस पूरे मामले के अंदर आरोपी बन चुके हैं, लिहाजा आरोपियों की तरह इनको अब समन किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा इस पूरी जानकारी।